गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पे हो रहा है 5:30 बजे के आसपास का टाइम। मैं आधी ना अभी उठ गया था थोड़ी देर पहले, इसलिए मैं उठी हूँ अभी। और इसके बाद ना मुझे नींद ही नहीं आती है। वैसे तो मैं कई बार लेट भी उठती हूँ, ये सारा डिपेंड करता है मेरे बच्चे के जो रूटीन पे। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो सबसे पहले ना मैं बस यहाँ पे फटाफट से पानी पी रही हूँ जो मैं मोस्टली लेती हूँ सुबह। ये है सौंफ और इसमें मैं अजवाइन डालती हूँ। ये पानी मैंने शाम का रखा होता है। साथ में आप एक और बॉटल देख रहे हैं, ये है वार्म वाटर की, तो मिक्स करके पीती हूँ। और अभी ना फिर मेरा सोने का मन ही नहीं किया और मैं कब उठ जाती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले ना मैं बेड क्लीन कर रही हूँ। और आदि देखिए इस तरह से ना ये उठता रहता है, मुझे देखना पड़ता है इसे बार बार। और कई बार मैं लेट भी उठ जाती हूँ, ऐसा नहीं है, बट कई बार जब मैं उठती हूँ सुबह 5 बजे, तो उसके बाद का जो मेरा रूटीन है वो जो है इस तरह से रहता है। बस सबसे पहले जो है यहाँ पे बेड क्लीन कर रही हूँ अपना, और फिर ठीक रहता है, अच्छा फील होता है। मैं कहा चलो जितने में ये सोया है, बाकी के काम थोड़े से अब जो है थोड़े थोड़े शुरू कर देती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले उठने के बाद जो है आजकल मेरा एक नया ही काम है। आपको पता है मैंने फिशेज लाई है घर पे और बहुत ही अच्छे से हेल्दी हैं। देखिए कितनी एक्टिव है, सुबह सुबह तो इनमें अलग ही एनर्जी होती है। जैसे मुझ में एनर्जी आती है ना, वैसे इनको देख के जो है बहुत अच्छा लगता है। तो इनको थोड़ा सा फीड दे दिया मैंने, मैं उठते ही इन्हें फीड देती हूँ, चाहे मैं जितने बजे भी उठूँ। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए इसमें ना मनी प्लांट की 3 स्टिक डाल दी है, काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत हेल्दी और अच्छे से ये इन्हें 4 डेज़ हो गए हैं, बट अच्छे से जो है ये सर्वाइव कर रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी, बट काफ़ी अच्छे से मैं केयर कर रही हूँ इनकी, पानी प्रॉपर चेंज कर रही हूँ। फीड देने के बाद फिशेज़ को मुझे थोड़े से कपड़े दिखे, मैं कहा फोल्ड कर लेती हूँ। साइड में आपको दिख रहा हुआ कर्टन पड़ा है डोर के साथ, तो ये ना छूट गया था मुझसे। और हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, तो इस वजह से ना, तो वो मेरी हाइट भी उतनी नहीं है, तो उस वजह से मैं नहीं लगा पाई कर्टन को। मैं कहा चलो बाद में लगा दूँगी। और यहाँ पे बस थोड़े बहुत कपड़े थे ना, उन्हें सेट कर रही थी मैं, इन्हें रख देती हूँ साइड में। कुछ आयरन करने के हैं इन्हें, तो मैं जब फ्री टाइम होगा तब मैं आयरन करके रख दूँगी। यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े हैं, उन्हें रख दूँगी। और आज ना मौसम थोड़ा सा क्लाउडी सा लग रहा था मुझे बाहर, और बट अच्छा है, मॉनसून शुरू हो चुका है यहाँ हिमाचल में, सभी जगह पे हो चुका है। इसके बाद मैं किचन आ गई थी, चाय वाय हमारी हो चुकी थी और ब्रेकफास्ट भी बन गया था। तो बस यहाँ पे ना मैंने दूध लगा लिया था बॉईल करने के लिए। इसके बाद जो किचन के काम है वो शुरू होते हैं। सबसे पहले चाय वाले हमारे ब्रेकफास्ट के जो बर्तन है वो मैं थोड़ा सा लेट करूँगी, और आज मन नहीं था क्योंकि शाम को मैंने थोड़ा सा हैवी खा लिया था, उस वजह से ना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने का मन ही नहीं करता। बर्तन वगैरह क्लीन करके फ्री हुई, उतने में देखा कि आदि महाराज हमारे उठ गए हैं। तो बस यहाँ पे लग गई थी अब इसके साथ थोड़ा सा खेलने। उठने के बाद इसको ना टाइम स्पेंड करना होता है मम्मा के साथ, और कैमरे पे नज़र पड़ी तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, दिखेगा ही दिखेगा। तो इसकी थोड़ी एक्सरसाइज कर रही थी यहाँ पे, और इसके बाद ना इसे मैं जो है मम्मी के पास पकड़ा दूंगी थोड़ी देर, वो देख लेंगे। क्योंकि अभी मेरा पता क्या होता है कि इस टाइम पे जो है काम कर लिया तो कर लिया, 9 बजे तक मेरे सारे काम कंप्लीट होने चाहिए अगर मैं जल्दी उठ गई हूँ। तो जल्दी उठ गई थी तो सोच रही थी कि चलो सारे काम कम्प्लीट हो जाएँ तो बढ़िया है। तो अभी इस टाइम पर ना आधी सो गया था फिर से, तो उसका यही रहता है मॉर्निंग में। तो मैं कहा उतने में फटाफट से जो है थोड़ा जो है सिटिंग एरिया है उसे जो है क्लीन कर देती हूँ फटाफट से, और मॉपिंग वगैरह झाड़ू वगैरह साथ साथ लगा दूँगी, और ताकि 9 बजे तक मैं फ्री हो सकूँ और अपने लिए भी थोड़ा सा आराम करने का या टाइम मिल जाए, अपने लिए किसी काम करने का टाइम मिल जाए। और यहाँ पे इसके बाद जो है टाइम जो है वो होने लगा था 8:30 बजे के अराउंड, और मैं नहा के बिल्कुल रेडी हो चुकी थी क्योंकि आदि जो है अभी आराम से सो रहा था। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से जो मौके का फ़ायदा उठाया, बच्चों के साथ यही होता है स्पेशली जब आपका छोटा बेबी है कि जब वो सोए तभी आप काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी, बस अब मेरा एक ही काम था आदि का, मतलब इसको नहलाना, और इसी का काम था सारा। तो बस मैं तो यहाँ पे फ्री हो चुकी थी, और ब्रेकफास्ट तो वैसे भी मुझे नहीं करना है। और ये वाली कुर्ती गाइस मैंने ऑनलाइन मंगाई है, आप पूछते रहते हैं, सो ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी और काफ़ी अच्छी है और लाइट वेट है। गर्मियों में इस तरह की जो है कुर्तियाँ काफ़ी अच्छी लगती है, सो आप जो है फ्लिपकार्ट पे चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने कुर्ती हॉल भी बहुत पहले शेयर किया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं।
सो यहाँ पे जो है ना, मैंने सोचा अपना काम को इजी बनाने के लिए आदि के कपड़े वगैरह और उसकी बाकी सारी चीज़ें नहाने की ये मैं निकाल के रख दूँ, ताकि जैसे ही उठेगा वैसे ही मैं इसे नहला दूँ। पानी में गर्म करके ला दिया था मैंने, रख दिया था ढक के, ताकि जैसे उठे वैसे नहला दूँ। देखिए फिलहाल सो रहा था, मेरा मन नहीं किया इसे उठाने का। मैं कहा चलो थोड़ा सा और काम कर लेती हूँ अपना। बहुत कंफर्टेबल है गाइस ये वाली कुर्ती। तो ब्रेकफास्ट तो मैंने वैसे भी नहीं किया, अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम, कम से कम 11:30-12 बजे के आसपास। सो एक्चुअली आदि सो गया था, उसके बाद मैं और काम किए मैंने बाकी। अभी जाके वो उठा है, अभी नहला के उसकी दादी को दिया है। बस अभी ना उसका सामान ही मैं समेट रही थी, यहाँ पे उसको नहलाया था, टावल वगैरह उसके डाल दिए हैं। अब लंच जो है वो थोड़ा सा लेट बनाऊंगी, क्योंकि आज मम्मी का तो फास्ट है, मैं ही हूँ खाने वाली और मेरे फादर इन लॉ, सो हम दो लोग ही हैं। तो देखते हैं कुछ बना लेंगे हल्का फुल्का सा। सो अभी ना मैं सोची हूँ फिश वाला जो पानी है ना इसे चेंज कर दूँ, क्योंकि गंदा वाला पानी है इसे चेंज कर देती हूँ, क्योंकि कल का मैंने स्टोर करके रखा था। इनको हो गए हैं फोर डेज हो गए हैं इनको, और अच्छे से जो है बहुत एक्टिव हो गई है। मतलब एक सुस्त सी थी, बट अब जो है बहुत एक्टिव हो गई है। और खाना मैं 4-5 दाने दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं, सुबह मॉर्निंग में और शाम को। और पानी कैसे चेंज कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी जो है यही रख रही हूँ 20%, बाकी जो है जो 80% है वो मैं जो है फ्रेश वाटर डाल रही हूँ। फ्रेश भी नहीं, पहले दिन मैं टैप से डाल के रखती हूँ बकेट में, फिर उसे धूप में रखती हूँ थोड़ा सा, वो उसमें जो है थोड़ा सा वो अच्छे से धूप में उस पानी को रख के फिर शाम के टाइम पे स्टोर करके फिर सुबह चेंज करती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गई चेंज करने में, तो अभी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि गंदा हो रखा है गोल्ड फिश के साथ। ये मैंने देखा था कि पढ़ा था कहीं पर कि गोल्ड फिश जो है गंदा जल्दी करती है। आप 3 दिन बाद अपने डिपेंड करता है कब कब सफाई करो, बट मुझे तो डेली अच्छा लग रहा है चेंज करना, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। थोड़ी सी केयर फिश के साथ ना ये होता है, केयर की ज़रूरत होती है और कुछ भी नहीं है, बाकी मस्त रहती है। और बहुत अच्छे से अभी ने पता लग गया, दाना जब देती हूँ तो पता लग गया भी हाँ अब हमें दाना देते हैं, टाइमिंग का पता है इन्हें। सो बस अभी थोड़ा बहुत जो है आदि का सामान समेट के फिर जो है देखते हैं आगे क्या बनता है। सो सबसे पहले तो ना मैं फ़िश का पानी। सो बस यहाँ पे ना मेरे पास बस एक और काम था आज। एक्चुअली आज मैं मॉर्निंग में ना ये फ़िश का जो पानी है वो चेंज करना भूल गई थी, तो बस यहाँ पे फटाफट से ना मैं फ़िश का पानी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि गोल्डन फिश बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से जो है वो इसका पानी चेंज कर रही हूँ। थोड़ा सा चुटकी भर इसमें नमक मिला रही हूँ, क्योंकि नमक बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा होता है, खारे पानी में रहती हैं ये मछलियाँ। तो बस थोड़ा सा आराम से जो है डेलिकेटली जो है इनको जो है शिफ्ट करना होता है। तो सबसे पहले बकेट में डाल देती हूँ मैं, और उसके बाद ही जो है इसे क्लीन करती हूँ। अब मैं इसे क्लीन कर दूँगी अच्छे से, और बाहर से अंदर से सब जगह से इसे साफ़ करके ले आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लीन करके ला दिया था, देखिए कैसे चमक रहा है, तो अच्छा लगता है ना खुद को भी। मैं डेली मेरी रूटीन बन गई है इसे क्लीन करने की। और ये देखिए मैंने बकेट में डाल दी है अभी फ़िलहाल, तो अब मैंने जो है साफ़ करके डालूँगी। और यहाँ पे जो है मैंने फिशेस को रख दिया था अच्छा क्लीन करके। इसके बाद किचन आ गई थी, सब्जी हमारे बची थी लंच के लिए, बॉटल भर रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि आजकल ना बहुत मन करता है ठंडा पानी पीने का, गर्मी बहुत हो रखी है। और इसके बाद जो है मैंने सोचा चलिए फटाफट से ना चपातियाँ लगा दूँ, क्योंकि लगे हाथ जो चपातियाँ बन जाएगी तो फटाफट से लंच भी कर लेंगे। टाइम तो वैसे था अभी काफ़ी ज़्यादा, बट फिर भी थोड़ा सा अपने लिए भी तो आराम चाहिए होता है। तो सुबह से ना बस ऐसे ही मेरी जो भागम भाग है ना 5 बजे के बाद 9 बजे तक तो मेरी ऐसी रूटीन होती है। उसके बाद अभी लंच के टाइम पे तो चलो थोड़ा सा हो जाता है कि मर्ज़ी होती है जब जिसका मन होगा। और आज तो मदर इन लॉ का फास्ट था, तो हम दो लोग ही थे, तो आज ज़्यादा काम भी नहीं था लंच का भी। तो शाम की सब्ज़ी थी बस, वही जो है हमें फटाफट से उसे ही मतलब गर्म करके थोड़ा सा वो खा लेंगे हम लोग। और इसके बाद जो है बस यहाँ पे लग गई हूँ मैं अब बर्तन वगैरह क्लीन करने। लंच हमारा हो चुका था यहाँ पे, तो इसी तरह की रूटीन रहती है सुबह से। और आई होप आपने आज का जो ब्लॉग है गाइस वो एंजॉय किया होगा, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बस अब कल आपसे प्यारे से ब्लॉग के साथ मिलूँगी, उम्मीद है रूटीन ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।